राइज ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एपीस। तो इस फिल्म की कहानी शुरू होती है एक सुहाने जंगल से, जहां पर कुछ होते हैं शिकारी जो कि वनमानुष का शिकार कर रहे होते हैं। तो वो वनमानुष को पकड़कर अपनी फैसिलिटी में ले आते हैं और उनके ऊपर करते हैं एक्सपेरिमेंट। और हमें दिखाया जाता है एक वनमानुष जो कि बहुत इंटेलिजेंट हो रहा है और वो शी है। तो हमारा हीरो उससे इशारों में कुछ बातचीत करता है और देखता है कि कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। और उसके बाद वो वनमानुष एक बेबी को जन्म देकर मर जाता है, मतलब मर जाती है। और उस बेबी को ये लोग जहर देके मारने वाले होते हैं, लेकिन हीरो कहता है कि नहीं, मैं इसको अपने घर ले जाऊंगा, मैं पालूंगा। तो हीरो के घर पर होता है उसका पापा, तो ये दोनों मिलकर इस छोटे से वनमानुष को पालते हैं। और वो वनमानुष बहुत ज़्यादा समझदार होता है, अपने आप उठाकर दूध पीता है। उसके बाद ये हीरो उसको बोलना सिखाता है, चेस खेलना सिखाता है और उसकी इंटेलिजेंट रिकॉर्ड करता है कि कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो रहा है। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है और वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो अपनी खिड़की से देखता है एक बच्चा साइकिल चला रहा है। तो वो अपने घर से बाहर निकलता है, उस गली में जाता है उस बच्चे के वहाँ, लेकिन उसका पापा हाथ में हॉकी स्टिक लेकर इस भालू को मारने लग जाता है, इस वनमानुष को मारने लग जाता है। और तभी वहाँ पर पहुँचता है हीरो, वो इसको रोकता है, कहता है मत मारो यार, ये तो मेरा है, ये पालतू है। और इसी बीच में वनमानुष के पैर पर चोट लग जाती है, तो ये वनमानुष को डॉक्टर के पास लेकर आता है दिखाने के लिए। और ये वनमानुष हीरो को इशारा करता है कि इसको डेट कर लो, और इस लड़की को भी बोलता है कि तुम भी इसको डेट कर लो, मतलब इशारे में अभी ये बात नहीं करता। तो ये पूछती है कि ये क्या बोल रहा है, तो ये बताता है कि ये कह रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहिए। तो ये कहती है हाँ चलो डेट पर चलते हैं ना। तो ये लोग डेट पर जाने की जगह इसको जंगल में ले जाते हैं, जंगल घुमाते हैं। तो जंगल में आने के बाद ये दोनों अपनी डेट कर रहे होते हैं और इनका वनमानुष जंगल में इधर उधर कूद रहा होता है और एक बहुत बड़े पेड़ पर चढ़कर अपने शहर की ओर देखता है। और वहीं पर 5 साल गुजर जाते हैं और ये बड़ा हो जाता है और कपड़े पहनने लग जाता है। उसके बाद वो मिस करने लग जाता है और कुछ समझने लग जाता है। और वो फिर हीरो से इशारों से पूछता है कि मेरी माँ कहाँ है। तो ये बताता है कि तुम यहाँ इस फैसिलिटी में पैदा हुए, तुम्हारी माँ को हमने कुछ ड्रग्स वगैरह दिए थे, यानी कि एक्सपेरिमेंट वगैरह किया था जिससे वो इंटेलिजेंट हो गया, पर वो मर गई और तुम्हें छोड़ गई, इस वजह से तुम इतने इंटेलिजेंट हो। उसके बाद इसके पापा की तबीयत खराब होती है, वो उल्टे सीधे भूल कर काम करता है। तो ये वनमानुष उसको सही काम करना बताता है, ये बात हीरो देखता है, हीरो को बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ये बूढ़ा हीरो का पापा, वो उसका जो है उसको भूलने की आदत है, तो वो किसी और की गाड़ी चलाने लग जाता है। तो उसका ड्राइवर उसको डांटने लग जाता है, मारने पीटने लग जाता है। तभी ये वनमानुष देख लेता है कि कोई इसके दादाजी को मार रहा है, तो ये निकलता है वहाँ से और उस आदमी को मार मार के उसका कचुम्बर बना देता है। उसके बाद दादाजी को उठाकर अंदर लेकर आता है। उसके बाद वहाँ पर आते हैं कुछ जानवर पकड़ने वाले लोग, तो इसको मजबूरन वहाँ पर इसको छोड़ना होता है। तो हीरो उसको लेकर आता है उस फैसिलिटी में, तो उसको अंदर जाने देते हैं। तो सोचता है कि बस 2 मिनट के लिए मेरे को घूमने फिरने के लिए छोड़ा होगा, लेकिन जब वो देखता है कि ये हीरो हीरोइन मेरे को छोड़कर चले गए और उसको समझाता है कि तुम यहाँ पर रहो 1-2 दिन के लिए, मैं तुम्हें छुड़ा लूंगा। और यहाँ पर वनमानुष बहुत ज़्यादा रोता है कि मेरा मालिक मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया। और यहाँ पर वनमानुष को पिंजरे के अंदर बंद करके रखते हैं ये लोग, और बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं और इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते। और इधर हमें दिखाया जा रहा है हीरो जी तोड़ के कोशिश कर रहा है अपने वनमानुष से दोबारा मिलने की, पर उसको उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। और इधर उसके पापा जी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो वो आता है यहाँ पर लैब उसी बंदे के पास जो ये लोग वनमानुष पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो इसको बोलता है कि जो तुम दवाइयाँ तुम चिंपैंजीज को देते थे, वो दवाई मैंने अपने दादाजी को दी और मेरे दादाजी बहुत जल्दी से ठीक हो रहे थे, और वही डोज मुझे एक स्टेप आगे बढ़ाकर चाहिए। तो ये कहता है ठीक है, मैं दे तो दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे यहाँ पर कुछ वनमानुष पर एक्सपेरिमेंट करो। तो ये आ जाता है फिर से, और यहाँ पर हमारा वनमानुष जिसका नाम सीजर है, वो अपने पिंजरे में पेंटिंग बना रहा है अपने घर की खिड़की की। और यहाँ पर हीरो एक वनमानुष पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसका नाम कोबा है, और उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बड़ा अच्छा जा रहा है। और वहाँ पर सीजर बहुत सारे वनमानुषों से मिल रहा है और धीरे धीरे उन सबको अपना दोस्त बना ले रहा है। और नेक्स्ट शॉट में वो सीजर से मिलने आया और सीजर उसको बोल रहा है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल लो, लेकिन ये बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें जल्दी ही यहाँ से निकाल दूंगा। उसके बाद सीजर को यहाँ पर बहुत बुरा लगता है, वो अपना दिमाग चलाने लग जाता है, आसपास देखता है कि मैं कहाँ से यहाँ से निकल के भाग सकता हूँ। तो वो एक बड़े वनमानुष को वहाँ से छुड़ाता है और उसके साथ दोस्ती करता है। और यहाँ दूसरी तरफ हीरो जिस वनमानुष पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था उसको साइड में कर दिया, और ये अलग अलग बहुत सारे वनमानुषों पर एक्सपेरिमेंट करने लग गए हैं। तो हीरो आकर इस बंदे को बोलता है कि ये पहले जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट तो देख लो आप धड़ाधड़ एक ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करो ऐसे लोगों पर। लेकिन ये नहीं मानता, ये उसको नौकरी से निकाल देता है, कहता है कि तुम निकल जाओ, मुझे मत सिखाओ कैसे काम करना है। और यहाँ पर जहाँ पर सीजर को यानी कि वनमानुष को रखा है, उसके मालिक के पास आया हीरो और कह रहे हैं कुछ पैसे लेकर मुझे मेरे मानुष वनमानुष को छोड़ दो। तो आता है अपने सीजर से बात करने के लिए, लेकिन इसका सीजर उससे बात नहीं करता है और वो कहता है चलो अपने घर चलते हैं, लेकिन वो जाने से मना कर देता है। और यहाँ पर हीरो को बहुत बुरा लगता है। और यहाँ पर सीजर जेल से निकलता है
और आता है हीरो के घर पर, और वहाँ से वो जो डोज इसने अपने दादाजी को दी थी, यानी कि अपने पापा जी को दी थी, वही डोज वहाँ से उठाता है और अपने सारे वनमानुषों को दे देता है, जिससे उनका दिमाग समझदार हो जाता है, यानी कि थोड़े से और तेज हो जाते हैं इसकी तरह। और उन सब के साथ मिलकर प्लानिंग करता है कि हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे, क्या करेंगे। और उनको प्लानिंग करते हुए ये बंदा देखता भी है, पर वो ज़्यादा इस चीज़ को सीरियस नहीं लेता। तो उसके नेक्स्ट शॉट में सीजर सब लोगों को वहाँ पे आज़ाद कराता है और सब लोग यहाँ से भागने की प्लानिंग कर चुके हैं, और धीरे धीरे वो लोग वहाँ से भागते हैं, पूरे शहर में इधर उधर फैल जाते हैं, और जितने भी पूरे शहर के अंदर वनमानुष होते हैं सबको वो लोग अपनी तरफ कर लेते हैं और पूरी लैब में तोड़ा फोड़ी करते हुए भागने लग जाते हैं वहाँ से। और तभी हमें दिखाई जाती है मिलिट्री के लोग, जो कि एयरफोर्स मतलब बहुत सारी टीमें इनको रोकने की कोशिश कर रही हैं, और दिखाया जाता है पुल बिल्कुल जाम हो चुका है, वो लोग ब्रिज से सारे के सारे वनमानुष भाग रहे हैं, और इनको रोकने के लिए पूरी सरकार ने पूरा जोर लगा रखा है। और सीजर से बात करने के लिए पहुंच गया है हीरो और हीरोइन दोनों। तो बहुत ही कोशिशों के बाद ये सारे के सारे वनमानुष पुलिस की गाड़ियों को तोड़ते हुए और पुलिस वालों को तोड़ते हुए निकल जाते हैं जंगल में। और जंगल में आने के बाद वहाँ पर एंट्री होती है हीरो की, तो हीरो को एक वनमानुष मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर आता है सीजर और कहता है उसे मत मारो, और फिर वो उसको खड़ा करता है अपने सामने हीरो को। तो हीरो उसको बोलता है चलो अपने घर चलते हैं, सीजर तुम इन्हें यहाँ पर जंगल में नहीं रह पाओगे। तो सीजर उसके कान में आकर बोलता है अब यही सीजर का घर है। तो जैसे ही ये उसको बोलते हुए सुनता है तो इसकी फटके चार हो जाती है, क्योंकि पहली बार सीजर ने बात करी है, और वो उसके लिए बहुत खुश होता है और कहता है कि रहो अपने घर में, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुमने अपना सही घर चुन लिया। और फिर से वो भाग कर जाता है उस पेड़ के ऊपर जिसे वो पहले चढ़ा करता था, और खड़ी शहर की ओर देखता है, और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत अच्छी है, आप लोग देखें। अगर इस फिल्म को आप पर्सनली देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, आप हमें वहाँ ज्वाइन करें, हम वहाँ पर आपको मूवी का लिंक दे देंगे। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दो।